एशिया कप से बाहर हो सकता है पाकिस्तान। श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया झटका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच होता है, लेकिन पाकिस्तान इस साल होने वाले एशिया कप से अपना नाम वापस ले सकता है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उम्मीद कर रहा था कि उसे उसके प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल के मामले में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से समर्थन मिलेगा। हालांकि इन तीनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को नकार दिया। ऐसे में पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से नाम वापस लेने पर विचार कर रहा है। इस साल एशिया कप सितंबर में वनडे फॉर्मेट में हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजम सेठी द्वारा प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल के अनुसार पाकिस्तान को अपने देश में एशिया कप के 3 से 4 मैचों का आयोजन करना था, जबकि भारत से जुड़े बाकी मैचों को तटस्थ स्थानों पर आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर रखते हुए भारत ने पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया। वहीं श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सभी ने टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर करने के लिए बीसीसीआई के विचार का समर्थन किया है। इस महीने के अंत में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य एक औपचारिक मीटिंग कर सकते हैं। हालांकि पीसीबी अब इस बात से अवगत है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एशिया कप के लिए उनके हाइब्रिड मॉडल प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। सेट्टी ने बार बार कहा कि अगर टूर्नामेंट को पाकिस्तान से किसी तटस्थ देश में लाया जाता है तो वह प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। सूत्र ने कहा कि पीसीबी एशिया कप का बहिष्कार करेगा। वहीं एशिया क्रिकेट काउंसिल के एक सूत्र ने कहा कि पाकिस्तान के पास केवल 2 विकल्प हैं, टूर्नामेंट को तटस्थ स्थान पर खेले या नाम वापस ले ले। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तब भी इसे एशिया कप कहा जाएगा, लेकिन ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान की अनुपस्थिति में सौदे पर फिर से बातचीत करेगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत सभी का रुख एक जैसा है कि पाकिस्तान और किसी अन्य देश में एक साथ एशिया कप की मेजबानी करना तार्किक या वित्तीय रूप से संभव नहीं है। ऐसे में इसे किसी एक देश यानी श्रीलंका में आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर सकता है। ऐसी संभावना है कि इस साल एशिया कप पूरी तरह से रद्द भी हो सकता है और भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान विश्व कप से पहले वनडे फॉर्मेट में एक मल्टी टीम टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है कि इस साल एशिया कप का आयोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच मैच के बिना ब्रॉडकास्टर उतनी राशि की पेशकश नहीं करेगा जितनी वे पाकिस्तान के टूर्नामेंट में शामिल होने पर एशिया क्रिकेट काउंसिल को देना चाहते थे। भारत भी घर में 4 या 5 देशों के टूर्नामेंट के आयोजन की तैयारी कर रहा है जो एशिया कप नहीं होने पर आयोजित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एशिया कप टूर्नामेंट रद्द हो सकता है या खेला जा सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।